आज हम आए हैं मालदा के आदिनी मस्जिद में। ये मस्जिद बहुत ही पुराना है और कहा जाता है कि ये 620 सदी का है और माना जाता है कि ये 620 ईस्वी का बना हुआ मस्जिद है। आप इसके नक्काशी ही देख सकते हैं, इसमें जो यूज़ किया गया है वो कच्ची यूज़ किया गया है और ये छोटे जमाने का ईट है। अगर मैं बात करूँ इधर देख सकते हैं इसकी लंबाई, आप इधर देख सकते हैं इधर इतना लंबाई है और बाकी किस साइड देखिए तो देख सकते हैं कि आप कितना लंबा है। मुझे लगता है गार्डन के लिए बनाया गया है ताकि, और ये लाइट शो के लिए है, लाइट भी जलता है ताकि ये समस्या एटिंग में बाकी ये 3 बजे के बाद बंद रहता है पर जैसा भी हमको घूम रहा है। हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। डीजे बैग अगर देखा जाए इस मस्जिद में नमाजें नहीं मिलती है हर दिन है क्योंकि इस मस्जिद में ऑलरेडी 1403 साल मतलब पूरा हो चुका है। जैसा कि हमें मालूम है कि 620 ईस्वी में ये मस्जिद कायम की गई थी, अभी तक इसके बाद में मनाया गया है। इसी तरीके से आपको बाकी प्लेस भी दिखाता हूँ चलिए मैं, और दिखाता हूँ अंदर का नज़ारा इसका, किस तरीके से इसमें नक्काशी की गई है और किस तरीके से पत्थरों में डिज़ाइन की गई है आपको मैं एक्चुअल में दिखाता हूँ। आइए, पत्थरों का बनाया गया है, छोटा मोटा पिलर आज से तकरीबन 1400 साल पहले किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है और ये माना जाता है कि मतलब देखिए किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ की मस्जिद है किस तरीके से बनी गई है, थोड़ा सा ऊपर की व्यू दिखाता हूँ और इन बाकी अगर इसको मैं पूरा दिखाने की बात करूँ तो लमसम ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटा लग सकता है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में हर जगह दिखा देता हूँ, ठीक ना। चलिए अब मैं इसके अंदर की नक्काशी को दिखाता हूँ। पत्थर को किस तरीके से डिजाइन किया गया है, 20 से 35 फीट की दूरी है, अभी तक कितना ठंडा है बताइए, किस तरीके से डिजाइन दीवार को कितना मौका दिया है, इंच की चौड़ा है दीवार, इतना मोटा दीवार तैयार किया गया है। अगर मैं नीचे की बात करूँ इसका बेस लगभग 50 इंच से 70 इंच तक तैयार किया गया है। अब मैं इसका इस तरह इस साइड को दिखाता हूँ और यहाँ पर दिखाता हूँ छोटी छोटी गुंबदें जो बनाई गई जिन्होंने देखिए, ये एक मेहराब है, इसके अंदर एक मस्जिद को लुकिंग देने के लिए ये मेहराब बनाया जाता है और ये भी ऑलमोस्ट पत्थरों का ही बनाया गया है। इसी तरीके से मैं आपको और भी मेहराब दिखाता हूँ, बाकी मेहराब है इस तरीके से, इधर भी छोटी मेहराब है, ये भी एक मेहराब है। अभी तक इसके बारे में कोई वर्डिंग नहीं मिला है जिसके बारे में एक्चुअली बता सकता हूँ ये मेहराब यहाँ पर क्यों बनाया गया है सेकंड फ्लोर पे, बाकी आपको मैं बताता हूँ। देख सकते हैं ये भी एक रास्ता था नीचे जाने का, आपको ऊपर आने का, यहाँ पर भी एक खुला जगह है जहाँ पे नमाज के बाद आप आराम फरमा सकते थे या फिर आप यहाँ पर शेयर वगैरह कर सकते थे, तो ये एक प्लेस था। अब मैं आपको दूसरी साइड में आता हूँ और यहाँ इस मस्जिद की एक्चुअल मेम्बर और मेहराब को दिखाता हूँ जहाँ पर नमाजी हुआ करती थी, जहाँ पर खुला जाया करती थी, जहाँ पर बयान दिया जाता था। अब मैं उस प्लेस को दिखाऊँगा क्योंकि वो कितनी बड़ी है, किस तरीके से होती थी वो भी जानना ज़रूरी है। ये चलिए आपको अब मैं आपको इस मस्जिद की एक्चुअल मेंबर और मेहराब को दिखाता हूँ, तो आइए आप इस तरफ। तो
आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये मिंबर और मेहराब है इस मस्जिद की। यहाँ पर ये बीच में जो है थोड़ा सा ये मेहराब है जिसके अंदर नमाजी हुआ करते थे, और इसके साइड में जो ऊँचा था इसी को बोलता है मेहराब, मिंबर बोलता है इस पर। इस पर खड़े होकर बाकी खुतबा वगैरह दी जाती थी जिसके, और इसी जगह से खुतबा दी जाती है। बाकी इस साइड में जो चीज़ें हैं उसको बोलता है पार्ट को बोलता है मिंबर और मेहराब।